दलित शोषण मुक्ति मंच का 2 दिवसीय दलित सम्मेलन नाहन में संपन्न। समानता का अधिकार, दलितों पर अत्याचार जैसे मुद्दे पर सम्मेलन में की गई चर्चा। दलित शोषण मुक्ति मंच का 2 दिवसीय दलित सम्मेलन आज नाहन में संपन्न हो गया। सम्मेलन में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, समानता का अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में दलितों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिए जाने पर चर्चा की गई। दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगत राम ने आरोप लगाया है कि आज भी स्कूलों में मिड डे मील व आंगनवाड़ी केंद्रों में दलित बच्चों को अलग पंक्ति में बिठाया जाता है, जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसके लिए कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। सिरमौर दलित शोषण मुक्ति मंच का 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका खास करके मकसद है कि जो हमारी जो व्यवस्था है, जो संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला दलितों को, वो आज तक 72 साल के बाद भी जमीनी स्तर पर समानता नहीं मिली है। तो जो हमारा मुख्य मकसद है आज का इस सम्मेलन का, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि दलितों को कैसे हम समान अधिकार दें। दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनका सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, छुआछूत हो रही है, उससे कैसे निजात दिलाएं। नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट्स।